पहले के लोग कहा व्यभिचारी होते थे, कहा चोरी करते थे। पहले का आदमी इतना ईमानदार होता था कि 1 लाख रुपए दो और कहो कि झूठी गवाही देना है, झूठ बोलना है, मना करता था, नहीं 1 नहीं 10 लाख दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पहले का आदमी सत्य के राह पर चलता था क्योंकि बुद्धि पवित्र थी, खान पान शुद्ध था। पहले का आदमी सब जगह नहीं खाता था, तुम्हारी तरह जो कहीं भी तुम खड़े बैठे जैसा मिला खा लिया। तुम्हें तो मतलब खाने से कह सभी मिले। बनाने वाला 4 दिन से नहाया है कि नहीं, आपको क्या मतलब? वो उंगली अपनी नाक में डाल रहा है और वही फिर भर के पानी पानी पूरी में तुम्हें खिला रहा, तुम्हें क्या मतलब? हाँ बड़ा टेस्टी, बढ़िया टेस्टी रहेगी जब माल जाएगा तो। कुछ भी खाते हो, खाने पीने में विचार तो करो। खाने पीने में तुम्हारा विचार नहीं है तो खाने पीने में जो विचार नहीं करता वो जानवर है। जानवरों को कोई विचार नहीं होता खाने पीने का, इंसान हो। भीष्म पितामह ने कहा, जब पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश किया तो कहा कि बुरा मत देखना आंखों से, बुरा मत सुनना। द्रौपदी हंस पड़ी, पितामह जब भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी तो आप सबसे आगे थे और आप मेरे पतियों को कह रहे हो बुरा मत देखना, तो जब मेरी लाज लुटी तो आपने बुरा क्यों देखा? पितामह बोले, बेटी मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। बात महाभारत में लिखी है, पढ़ लेना। पितामह भीष्म बोले, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, इसलिए मैं तेरी रक्षा उस समय नहीं कर पाया। रक्षा करने की बुद्धि नहीं थी, दुर्योधन जैसी बुद्धि मेरी हो गई क्योंकि मैं उसकी रोटियां खाता था। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन।